हेलो एवरीवन, मेरे ग्रिल आर्मी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है वो बड़ी ख़ास है। तो आजकल बरसात तो लगी हुई है, तो हमारे जो ये प्लांट आते हैं छोटे वाले गमले में, तो हमें रिप्यूट क्यों करना है, तो ये वीडियो इस पर है। और इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाली हूँ। अगर आपका छोटा गमला है तो पीली पत्ती क्यों हो रही है, या इसकी कलियाँ क्यों गिरती है, तो ये इसी पर है। और हमें क्यों चेंज करना है, गमला बड़ा क्यों देना है, ये सब वीडियो में इसमें दिखाने वाली हूँ। और हमारे प्लांट ये हिबिस्कस के क्यों मरते हैं, हिबिस्कस क्या कोई भी, तो ये इस वीडियो में सभी कुछ आपको मिलने वाला। और इसके लिए सोयल कैसी बनानी है वो भी, और गमला कितना बड़ा लेना है, और इसकी सोयल वैसी होगी जो गर्मी भी झेल जाए, बरसात भी झेल जाए और विंटर भी झेल जाए, मैं वैसी ही सोयल आपको इसमें देने वाली हूँ। तो मेरे ये गमलों में जो भी सोयल है, देखो इसमें एक बूंद भी किसी में गमलों में पानी नहीं टिका, तो ऐसी ही मैं आपको ये वीडियो देने वाली हूँ। तो आइए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। और हमारे पड़ोस में गाने चल रहे हैं, तो उसको उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और उसको अवॉइड कीजिए और आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। देखिए, ये मैंने हिबिस्कस का लिया था पहले प्लांट, तो काफ़ी दिन हो गए। तो ये बहुत छोटा पोट है और इसमें ये मिट्टी है इस तरह की, तो मिट्टी तो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत चिकनी मिट्टी है, वो मैं निकाल दूँगी। तो ये पूरा, ये देखो इसकी जड़ें वगैरह सब दिखने लग गई, इसकी रूट्स, तो इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसको मैं बड़ा गमला दूँगी, क्योंकि इसको ये इतना ये खाना ये जो है अपना फूल ले नहीं पा रहा है इसलिए, तो ये कलियाँ वगैरह जो गिरती हैं तो इसलिए भी गिर जाती हैं। तो कलियाँ इस पर काफ़ी सारी हैं, अभी तो फिलहाल छोटा ही प्लांट है। तो ये देखिए, इसमें इसको मैं रिपोर्ट करूँगी इतने बड़े गमले में, और मैं इसको ये बड़ा पोट दूँगी। अगर आपके पास सीमेंट का है तो दे सकते हैं, क्योंकि ये धूप में रखने पड़ेंगे। ये तो हिबिस्कस तो धूप में ही चलता है, 2-4 घंटे की धूप ज़रूरी होती है इनको। तो इसीलिए अगर आपके पास सीमेंट का है या मिट्टी का है गमला, तो आप वो दे सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक का है, मैं छत पे हल्का रखती हूँ तो इसलिए प्लास्टिक के देती हूँ। तो इसके ये जो प्लास्टिक के हैं, तो या तो आप अच्छा वाला प्लास्टिक का ले लें, तो मेरे पास ये है, मैं इसी में रिपोर्ट करूँगी। और इसके लिए सोयल हिबिस्कस के लिए, गुड़हल के लिए, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, तो मैं इसके लिए वेलड्रेन सोयल बनाऊँगी। तो हिबिस्कस के लिए हमें वेलड्रेन सोयल बनानी है, तो इसके लिए हमें एक पार्ट सैंड, एक पार्ट जो गार्डन सॉइल होती है वो ले लेंगे, एक पार्ट कोई भी कंपोज है आपके पास वो ले लेना। और वो सड़ा हुआ बिल्कुल वैसा होना चाहिए, फंगस वाला नहीं हो बरसात में, तो पुराना वाला लेना है। नया वाला क्या होगा, फंगस पकड़ जाएगा। और इसमें 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी, बड़ा है गमला तो 2-3 मुट्ठी इसमें नीम खली डाल दें, जिससे इसमें फंगस ना पकड़े। तो बस मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ इसमें। और ये देखिए, ये इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं आप, इसमें पूरे में ये रूट्स ऊपर आ गई, तो इसमें नीचे भी जरूर होंगे। अभी मैं पहले निकाल, अभी दिखाती हूँ निकाल के, पूरा इसमें ये रूट्स बेंडिंग हो गए देखो, तो इसमें इस पूरे में रूट्स दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। तो ये फूड कहाँ से लेगा, खाना कहाँ से लेगा, जब इसमें है ही नहीं मिट्टी अभी इसमें, तो इसीलिए मैं इसको बड़ा गमला दूँगी और इसमें ये ठीक ठाक चलेगा। ये देखो, इसमें ये मैंने पहले से ही सोयल बना के इसकी रख दी है, और मैं इसको चारों तरफ से इसके मिट्टी फिल कर दूँगी। और एक तो देखो, ये मैंने गमले में इसमें लगा दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया इसमें बड़े गमले में, छोटे गमले से बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें अब अच्छे से सरवाइव करेगा, क्योंकि इसको पूरा खाना पीना मिलेगा, तो तभी तो ये अच्छे से सरवाइव करेगा। और इसके फूल पत्ती पीले नहीं होंगे अब, तो ये चलता रहेगा आराम से। क्योंकि मेरा एक बार ऐसे हुआ था, छोटे गमले में ही मेरा वहाँ से आया था नर्सरी से, और वो पीली मिट्टी में आया था जैसे ये वाला है, तो वो थोड़े दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद वो प्लांट मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया, मेरे पास वो नहीं था प्लांटर गमला, तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया था धीरे धीरे होके, क्योंकि रूट बैंड हो जाती, फिर उन्हें खाना पीना नहीं मिलता, तो वो सूख जाते हैं। इसलिए मैंने इनको ये बड़ा गमला दे दिया है, और मैंने सभी को मैं देने वाली हूँ धीरे धीरे, इसको भी दूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये छोटे गमले में हमें मिल जाते हैं, तो 1-2 महीना तो ये ठीक ठाक चलते हैं, फिर बाद में ये इनको खुराक नहीं मिलती, खाना पीना ठीक से नहीं मिलता, तो ये फिर रूट बैंड होगी, ये सूख जाते हैं, इसलिए मैं इसको भी करने वाली हूँ। और ये देखिए, इसमें ये प्लास्टिक का ये है, इसको मैं निकाल दूँगी काट के, तो इसमें पूरी ही लाल मिट्टी है,
चिकनी वाली जो होती है, तो इसको मैं निकाल दूँगी। आजकल क्या है, आराम से बारिश में ये आराम से प्लांट निकल जाते हैं, तो देखो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गीली हो रही थी इसकी मिट्टी एकदम, और ये बारिश में रखा हुआ था, तो ये चल तो अच्छा रहा है। देखो कितना ग्रीन हो रहा, और इस पर कलियाँ भी आई थी पहले, फूल भी आए थे, लेकिन मैं इसको देखो ये बिल्कुल, ये भी रूट बैंड गया, देखो इसकी रूट जो है इधर उधर फैल गई, बाहर को आ जाती है देखो मिट्टी के, तो ये रूट बैंड हो जाता और नीचे से निकल जाती है, ये रूट से होती लंबी लंबी, ये गमले से बाहर आने लगती है, तो इसको ये रूट बैंड कहते हैं। तो ये देखिए इसी में मैं ये ट्रांसफ़र कर दूँगी, जैसे मैंने ये सोयल बनाई थी इसके लिए भी वैसे ही बना रखी है, तो मैं इसमें लगाने वाली हूँ इसको भी। और देखिए ये जैसे ये कप में है, ये प्लास्टिक कप में होते हैं, लगा देते हैं छोटे प्लांट जैसे कटिंग से, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है जब हम प्लांट करते हैं, तो इसको निकाल दें कैंची से कट करके, इसके धीरे से निकाल दें, इसके जड़े अंदर से निकाल दें, तो ये निकल जाएंगे आराम से मिट्टी से पूरा बाहर करके, और इसकी लाल मिट्टी है तो ये हटा दो, और आजकल जैसे बारिश है तो उसमें लगाने में फ़ायदा है, उसमें ये अच्छे से चल जाते हैं। तो मैं इसको दोनों को, जो दो कटिंग है इसमें ये वाली और ये वाली, तो मैं इससे बाहर कर दूँ और तभी मैं इसको इसमें लगाऊंगी गमले में, इस वाले में। तो ये लगा, इसको निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये ग्रोथ इसको रोक देते हैं, क्योंकि इसकी जो है, जो ये रूट्स होती है ये मोटी मोटी बड़ी होती, तो इसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती, तो हमें इसको निकालना इसलिए ज़रूरी होता है। तो मैं देखो इसको निकाल दूँगी और मैं इसको इसमें लगा दूँगी। और ये देखिए आजकल तो मिट्टी ऐसे भी झाड़ दो तभी भी ये निकल रही है, लाल वाली भी देखो इतना बारिश में ना ये पूरी गल चुकी है इसमें और मिट्टी, तो मैं इसको मिट्टी को भी निकाल दूँगी और इसका जो कप है प्लास्टिक का इसको भी निकाल दूँगी। तो पहले मिट्टी झाड़ लेती हूँ और फिर इसको कट करके यहाँ से ये धीरे से निकाल दूँगी इसकी जड़ें, तो जो इसमें रूट्स हैं, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथों से निकालेंगे, इसकी जो है ये डैमेज ना हो, इसकी जो बारीक बारीक ये जो जड़ें होती हैं रूट्स, इसकी ये डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत पतली पतली होती हैं, अगर ये डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि छोटा ही प्लांट है अभी, तो ये मरने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही धीरे से निकाल के और लगा देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने इन दो प्लांट से निकाल दिया है इसको कप को, ये जो प्लास्टिक के जालीदार होते हैं, तो एक तो ये आराम से निकला, मगर ये काट फाट के इसमें बहुत टाइम लग गया, तो तब ये बड़ी मुश्किल से निकला, क्योंकि फंसा हुआ था ये, तो बड़े आराम से निकालना है हमें, क्योंकि हमारा ये प्लांट भी डैमेज ना हो, इसकी ये रूट्स होती हैं जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बैंड हो जाता तो उसको तो काट भी दो नीचे से, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है अभी, तो ये देखिए, तो इसको अब मैं आराम से लगा दूँगी। और ये कब क्यों निकालते, तो क्योंकि ये ग्रोथ रोक देते हैं, तो इसीलिए हमें इसे निकालना पड़ता है, और प्लांट जो है अगर ग्रोथ रुक जाती है तो वो तो प्लांट जो है ख़राब हो जाता है, तो इसलिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको बड़े आराम से निकालें धीरे धीरे, मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया। और अगर आपके सीजनल प्लांट है तो उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं, उसमें भी आते हैं, क्योंकि इसमें जब ये लगा के भेजते हैं, वो इसीलिए लगा के भेजते हैं क्योंकि इसमें जो है स्टेबल रहते हैं प्लांट, खड़े रहते हैं सीधे, तो इसीलिए इसमें ये लगा के भेजते हैं, नहीं तो वो प्लांट क्या होता आने जाने में इधर उधर जो है हिल के वो निकल जाती हैं जड़ें, इसलिए इसमें लगा के वो भेजते हैं। तो तब तक तो सही है, ये बाहर से आते हैं प्लांट जो, तो लेकिन जब हम घर में जैसे रिपोर्ट करते हैं तो उस समय हमें ये निकाल दें। और इस समय बहुत अच्छा समय है, अगर आपके में भी है तो बड़े प्लांट से आप निकाल सकते हो इसे, तो ये जो है प्लांट आपके ठीक से चलते रहेंगे, नहीं तो ये ग्रोथ रोक देते हैं। तो ये देखिए मैंने तो निकाल दिया, तो अब मैं बस इसको लगा दूँगी। देखिए प्लांट को मिट्टी फिल करके थोड़ी आधा, तो इसमें बीचों बीच रख दो सेंटर में इसको प्लांट को, और चारों तरफ से मैं इसमें मिट्टी फिल कर दूँ। और ये देखिए सभी में मैंने इस रिपोर्टिंग कर दी है इनको, प्लांट के जितने भी मेरे कई सारे हिबिस्कस थे, और भी मैं अभी और भी है मेरे पास ऐसे पीली मिट्टी वाले और छोटे गमले में, तो मैं उनको भी करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने चार में कर दिया, तो मैं अभी इसमें बहुत टाइम लग जाता है इसे निकालने में करने में, और रिपोर्ट करने के बाद इनको बिल्कुल छाया में रख दें चार पाँच दिन, और ब्राइट लाइट में रखना। और ये देखिए अगर बारिश है तो थोड़ा आप बाहर रख सकते हो, और अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो इसमें पानी डाल सकते हैं, और बिल्कुल गीली है तो थोड़ा ही पानी डालें जैसे कि मैंने डाला, तो ये अच्छे से चल जाएंगे, क्योंकि पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है, जो रूट्स होती है वो अपनी मिट्टी में जगह बना लेती है,
तो इसलिए ज़रूरी होता है पहली बार पानी डालना जब लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।